राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में गत सप्ताह विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। बता दें कि विश्व व्यापार मेले का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड केयर यानी कि IITF द्वारा किया जा रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाली इस मेले में उत्तराखंड की धूम भी देखने को मिल रही है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस मेले में उपस्थित रहे। वहीं व्यापार मेले में लगे तमाम स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया है। बता दें कि ये भारत मंडपम में जो व्यापार मेला लगा है वो 27 नवंबर तक चलेगा। और बता दें कि व्यापार मेले में लगे उत्तराखंड पवेलियम और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। मेले में प्रगति मैदान की पवेलियन हॉल नंबर 5 में उत्तराखंड हिस्सा बना हुआ है, जिसमें राज्य के पवेलियन में कुल 36 स्टॉल लगे हैं, जिसमें जनपद हरिद्वार, देहरादून और टिहरी समेत अन्य जनपदों के शिल्पियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए स्टॉल लगाए गए। वहीं उत्तराखंड दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि वासियों ने अपने अनुभवों से देश विदेश में राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को आगे बढ़ाने को लेकर जो सपना देखा है उसे साकार करने में हमें अपना योगदान देना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 42वें जो आज यहाँ पर मेला लगा है, उसमें उत्तराखंड दिवस पे जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हैं जो यहाँ पर उन्होंने काउंटर लगाए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो काउंटर्स हैं ये उत्तराखंड का सामर्थ्य कहीं ना कहीं दिखाते हैं। हर जिले से, हर उत्तराखंड के जिले से ये काउंटर यहाँ पर आज देखने को मिला। हमारी बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग किस तरीके से उत्तराखंड में मेहनत करके और जो माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सपना है लोकल फॉर वोकल का, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में ये आप उभरे हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य उत्तराखंड को मिल रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। हमने जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरे देश में, विश्व में आगे बढ़ाने के लिए अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं, उसके लिए मैं इसके हमारी सरकार को और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो माननीय मोदी जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो।